अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सारे व्यूअर्स ठीक होंगे। तो आज का जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बच्चों को जो है ट्यूशन हमारा छोड़ने जा रहे हैं, इनको छोड़ के फिर जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जी आयान जा रहे हैं ट्यूशन में बैग रखने, और शायान और मैं कर रहे हैं इसका वेट। क्यों शायान? तो अभी जाते हैं फिर आगे, इनको स्पारे के लिए छोड़ते हैं और फिर जाते हैं जी फार्म पे। आज जी दिल था शायान और आयान का किधर जाने को? फार्म पे। फार्म पे तो फिर क्यों नहीं गए? तो लेके नहीं जाते थे। मैंने इन्हें कहा जी कल जाएंगे, संडे है, आज जो है सैटरडे है, तो इसलिए। तो जी ये जा रहे हैं स्पारे के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलें जी, बच्चा पार्टी चली गई और हम भी अभी चलते हैं फार्म पे। ये जी अब हम कैंट एरिया में एंटर हो गए हैं, और ये जो रोड है ये कामरा और अटक और कुतबा को अटैच करने के लिए जो दरमियान से रास्ता निकाला हुआ है, ये साथ जो है यहाँ पे गोल्फ क्लब है, ये सामने सारी जो जगह है, ये साथ कैंट एरिया है। ये जी अभी हम आ गए हैं अपने ट्यूबवेल पे, वो सामने ट्रैक्टर लगा हुआ है, रूटीवेटर लगा रहे हैं। उसके बाद जी ये सदाबहार खास जो है मकई लगी हुई है काची। इसके बाद हमारे पास हुई है इधर काफ़ी तेज़, जिसको कहते हैं करूरी, वो हुई है जिसकी वजह से मकई का बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन अभी ये कुछ बची हुई है तो वो दोबारा ग्रोथ कर रही है। ट्रैक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है, जगह जो है वो सेट कर रहा है। ये तो ज़ाया होगी ये किस्म की, जानवरों के काम तो आ जाएगी, लेकिन बेचने वाली भी इसकी हालत है नहीं, क्योंकि सारे जो पत्ते हैं ना वो अलग हो गए। तो अभी थोड़ी सी जो है छलियाँ तोड़ेंगे, छलियाँ तो इनके साथ हैं वो तोड़ेंगे खरगोशों के लिए और जो है रिंगनेक्स पैरट्स के लिए। तो अभी देखते हैं जाके भाई रिंगनेक ने अंडों में से बच्चे निकले हैं कि नहीं। यहाँ पर जी टटीरी हम तो अपनी ज़बान में कहते हैं, उसके अंडे थे और बच्चे निकल के उड़ गए, ये छिलके पड़े हुए हैं अंडे के। इधर एक ही पड़े हुए था मेरे ख्याल में, बाकी जो हैं वो या तो मिक्स हो गए ज़मीन के साथ। ये देखें, और इसका कलर जो है बिल्कुल ज़मीन मिट्टी के जैसा था यहाँ पे इसने अंडे दिए थे। तो अभी चलते हैं डेरे वाली साइड, गर्मी है बहुत, सख्त धूप है, सूरज सामने है बिल्कुल, और पसीनों पसीना हो गया। यहाँ पर जी हमने सब्जियों की बिजाई की थी, लेकिन बारिश जो हुई है 3 से 4 दिन लगातार, अब अल्लाह जाने यहाँ पे कोई सब्ज़ी उगती है कि नहीं उगती, क्योंकि जिस दिन हमने बिजाई की है उसी दिन जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी, और कल जो है बारिश रुकी है। और प्याज़ की भी हालत देख सकते हैं, बस अभी ये 2-3 दिन तक जो है इसको है तो फुल तैयार, बस अभी 1 या 2 दिन तक जो है इसको उखाड़ के इसकी जगह कोई और चीज़ लगा देंगे। तो अभी चलते हैं डेरे वाली साइड। ये जी हमने छलियाँ जो हैं ये तोड़ ली हैं तो थोड़ी सी, लेकिन कल फिर ले जाएंगे। तो अभी ये चलते हैं फार्म पे और इनको डालते हैं शॉपर में, इधर उधर देखते हैं अगर कमरे में पड़ा है, बल्कि नहीं थैला है हमारे पास तो उसी में डाल लेंगे। तो चलते हैं फिर फार्म पे, तो उधर जाके कंटिन्यू करेंगे वीडियो,
तो व्यूवर्स अभी पहुंच गए हैं फार्म पर, बतखें वो खड़ी हैं, इसके अलावा मुर्गा जो है ये फिर कुरीज में लग गया है। ये असल में थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था। टॉमी जो है पास आ गया है। हाँ टॉमी आ जा। इसके अलावा जी गंदे वो माल मवेशी की चुवाई हो रही है, चुवाई हो रही है। सिम्बा जो है इधर बैठे हुए। तो चलते हैं जी अंदर, ज़रा देखते हैं परिंदों की सूरत हाल। ये जी मुर्गी कड़ोक बैठी हुई है, जो अंडे लाहौर से गिफ्ट आए हैं उन पे जो वकास भाई ने भेजे हैं। ये ज़ख्मी हो गई थी, इसका भी काफ़ी ज़्यादा जो ज़ख्म है सेट हो गया, दाना पानी इसके आगे पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो रैबिट्स जो हैं, वो जो छोटे बच्चे थे माशाल्लाह वो भी बड़े हो गए। इसके अलावा बजीज काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, फिर से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया इनका। चीकू जो है ये भी माशाल्लाह मुर्गी बना है और बड़ी प्यारी सफ़ेद रंग की। इसके अलावा रिंग नेक पैरट बेबी वो जो बच्चा था, माशाल्लाह फोकस नहीं हो रहा जी, वो बैठा है वो सामने, और ऊपर जो है इसकी माँ बैठी है। हाँ, और लव बर्ड ने दोबारा कोई नहीं बच्चे वगैरह दिए, अंडे पड़े हुए हैं इनके लेकिन बच्चे जो है नहीं दिए इन्होंने। तीतर जो है ये वो सामने, ये देखें जी टैम होने का इसका फ़ायदा, पास आ गए। ये टैम है और पास आ जाते हैं। तो रोड जन का चलाते हैं, पंखा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे भी, तो उनका पंखा जो है ये चला देते हैं। और फाख्ता का बच्चे भी माशाल्लाह अब तो फुल बड़ा प्यारा बन गया है, खुद फ्लाई कर लेता है फूल, वो बैठा है। और वो बेचारी अकेली रहेगी ये फाख्ता दूसरी, तो इनका प्यार बन जाएगा, लग भी मेल रहा है ये, और वो मेल है या फीमेल है उनका मुझे नहीं कंफर्म। नीचे जो है ये रैबिट्स बैठे हुए हैं, खाना खाने लगे हैं। चले अभी इनको डालते हैं छलियाँ वगैरह जो मैं इनके लिए लाया हूँ, उसके बाद जी देखते हैं बाकी सूरत हाल क्या है। इधर जाते हैं माल वगैरह की तरफ, चुवाई उनकी हो गई है। दूध वाला है मेरे ख्याल में, दूध ले के चला गया मेरे से पहले ही। तो ये जी छलियाँ इनकी मैं इनको डालता हूँ। ये जी बजीज जो हैं सारे इंतज़ार बैठे हैं, और मिठू भी पास आ गए। अब देखते हैं, खुश हो गए हैं सारे। अभी असल में रिंग नेक जो है इनको तंग करते हैं, इनको और डाल देते हैं। बजीज के लिए जी नीचे डाल दिया, और खरगोश जो है इनके पत्ते खा रहे हैं छली के। सिम्बा जो है वो तबला हो रहा है, कह रहा है मुझे भी दो खाना। तो ये भी छली मैंने इनको डाल दी है। तो लव बर्ड को भी थोड़ी सी छली डाली है, इनकी फेवरेट है। तो अभी देखते हैं अंदर रिंग नेक फीमेल ने जो है बच्चे निकाले हैं कि नहीं। तो ये जी इसने खाना पीना कर लिए, मुंह साफ कर रहा था। तो फीमेल ने जी अभी तक बच्चे नहीं निकाले, अभी उसका है टाइम। तो व्यूवर्स देख सकते हैं कि ये बच्चे निकाले हैं कि नहीं, फीमेल भी अंदर ही है। रिंग नेक फीमेल ने तो अभी तक जो है बच्चे नहीं निकाले, लेकिन जल्द से जल्द निकाल देगी इंशाल्लाह। बिजली जो है ये कभी आ रही है कभी जा रही है, लोड शेडिंग स्टार्ट है। तो अभी चलते हैं जी बाहर माल मवेशी वाली साइड, और
सिम्बा जो है फुल तैयारी में है, भाई यार मुझे खाना डालो, तो उसको भी खाना डाल देते हैं। साथ टॉमी है, उसको भी डाल देते हैं। ये बैठा है तो सिम्बा को जो है रोटी डालते हैं दो, और इसका थोड़ा सा रिएक्शन जो है रोटी को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये भी खुद ही खा लेगा। वो ले गया, तो टॉमी जो है अभी आ जाएगा, टॉमी को बुलाते हैं। टॉमी आजा, आजा। टॉमी जो है जी अपनी चूरी ये खाता है शौक से, स्पेशल जो है चूरी इसके लिए बन के आती है। तंबूरियाँ भी आ गई हैं, यहाँ इन दिनों में इन जैसे डॉक्टरों से बच सकते हैं आप लोग तो तभी। चलो भाई अपनी खाना फिनिश करके आना। और जिस सिम्बा ने तो एक रोटी खा भी ली है और दूसरी अभी उसके मुंह में, बाकी खा गए। पंखा सिम्बा का चल रहा है, इसके अलावा बच्चे जो हैं ये अपनी डाइट जो हैं खा रहे हैं, लंगर पानी अपना माशाल्लाह। सारा व्यू देख लें आप जानवरों का। खेतें हो गई हैं जी फारिक, अभी इंशाल्लाह हम भी नए खेतें होंगी हैं जी खाली, गंदू वगैरह जो है ये कट गई हैं, संभाल लिया है सब लोगों ने, तो अभी यहाँ पे भी हमको बिजाई करते हैं चीज़ की। अभी तक तो खाली पड़ी है ये भी जगह और वो वाली जगह भी, उधर जो है भाई ने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, वो सामने सूरजमुखी लगी हुई है, वो सामने देख सकते हैं आप। तो ये ज़मीनें खाली हो गई हैं अभी, घास वगैरह यहाँ पर इधर गन्ना लगा हुआ है, तो इधर बस अभी कुछ बिजाई करते हैं, उसके बाद लाते हैं दुम्बे, इंशाल्लाह उनकी जगह भी जल्द से जल्द बनाएंगे। बस अभी ये इस दर की भी सफाई करानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो गया है, ये फार्म के अंदर आएगा तो जानवरों को नुकसान वगैरह दे सकती है, कोई जहरीली चीज़ सांप वगैरह। तो मुर्गियाँ जो हैं ये गोबर वाली जगह पर जो अपना पेट फुल कर रही हैं, तो इनको जो है अंदर करते हैं, उनके नेवले वगैरह अभी दिन है उनके, क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में नेवले आ जाते हैं, सर्दियों में तो ये है भाई घास वगैरह इतनी नहीं होती, तो उस वजह से इनका जो है ख़तरा होता है। तो भी दरवाज़ा करते हैं बंद और जाते हैं माल मवेशी वाली साइड। टॉमी जो है टॉमी को बुलाते हैं, टॉमी टॉमी जी यहाँ पे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, आजा टॉमी। टॉमी जी आ गया पीछे, जल्दी आ, तू बाहर चला जाता है, अपनी जगह पे बैठ जा, चल बैठ जा, चल बैठ बैठ जा, बैठ नीचे। ये जी बैठ गए, तंग करता है लेकिन फिर जो है ना इसे पता है, जंप टॉमी, जंप जंप जंप। इसका जी आज खेलने का मूड नहीं है, तो अभी थोड़ी देर तक सिम्बा को भी खोलते हैं क्योंकि इनकी आपस में दोस्ती बहुत है। माल जो है अभी उनका पानी बाहर लगा दिया, उसके बाद इनको खाना पीना ये कर लेंगे, उसके बाद जो है पैर इनको बांध देंगे। यहाँ पे आज लगता है दूध गिरा है, तो इसको भी साफ करते हैं। माशाल्लाह माल लगी सही सलामत है, घास वगैरह इनको जाती पड़ेगी, जब वो ख़त्म होगा तो हम और डाल देंगे।
तो अभी ये भूसा वगैरह भीतर हमने कटर ले लिया है इस बार, तो इसकी भी सफाई वगैरह करने वाली है। इधर भी कुछ सामान इंशाल्लाह जल्द से जल्द लाएंगे। ये भी किसी दोस्त का सामान पड़ा हुआ है तो वो कुछ दिन तक ले जाएगा, क्योंकि एक तो बारिश वगैरह हुई है, दूसरा वहाँ पे उसकी शॉप का काम चल रहा है, तो अभी तक तो ये जो है इधर ही पड़े हैं। तो दुम्बे वगैरह लाने कह रहे थे, इसको भी पेंट करना है। इसके अलावा बाहर जो है वो जगह भी सफाई वगैरह करते हैं, कल से इंशाल्लाह वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम जो है वो स्टार्ट करवाना है। तो इधर जो है हमारी डोंकी वो हर टाइम सुस्त खड़ी रहती है, पता नहीं इसको क्या है, बीमार है क्या, चक्कर बंद है इसके साथ, कोई नहीं पता। इसको भी इंशाल्लाह दिल है इसके अंदर मछलियाँ लाने को, लेकिन गर्मी बहुत होती है इधर, धूप ड्रैक पड़ती है तो इसमें मसला बन सकता है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह कुछ दिन तक। तो ये जो जगह है इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पे निशान वगैरह लगाए हैं, तो उन पे जो है ये निशान लगे हुए हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये लगेगा फ्रेम, वो इंशाल्लाह कुछ दिन तक जो है वो तैयार करते हैं। भाई से भी बात की है तो वो कह रहे हैं जी 2-3 दिन तक, अभी वो फ्री नहीं है, वो फ्री होते हैं तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सेटअप तैयार करते हैं। वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वहाँ तक एंड तक सिम्बा को खुलते हैं, थोड़ी देर ये भी अपनी वॉक वगैरह कर लेगा, खुश हो गए बाहर खेल कूद रहे, इसकी भी वॉक हो जाएगी, क्योंकि ये और बंदे को अपन खोलने नहीं देता, तंग करता है, मैं हूँ तो इसको जो है ये खोल दूँ, क्योंकि मुलाजिम भी इसे डरते हैं, ये काटने के लिए करता है, ये भी फुल खेलने के मोड में। तो इसने बड़ी जल्दी ग्रो की है, बड़ी जल्दी हमारे पास छोटा सा बच्चा आया था तो अभी माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा इसने कद वगैरह कर ली है, अभी तो है भी 8-9 महीने का, तो इसकी एज भी बहुत कम है, लेकिन इसको ये है अभी डाइट वगैरह इसको अच्छी मिली है तो इसने कद वगैरह जल्दी की है। उसके बाद इधर आ, इसके हेयर वगैरह देख लें, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े हैं, ये भी फुल खेलने के मूड में। अभी मैं पत्थर फेंक के चेक करता हूँ, ये खेलने के मूड में है जी, उठा ला इधर, ये जी चलें, ये स्टिक पड़ी है ये फेंकते हैं, सिम्बा ये ले, ये जी इसका खेलने का मूड बन गया, ढूंढने लग गया, और तेरे पीछे पड़ी है, ये ले सिम्बा, ये ले उठा ले इसको, उठा ले, इधर ले आ, इधर ले आ, टॉमी ने जी उठा लिया, खेलने लग गए जी, टॉमी इधर ले आ ना उठा के, चल तू नहीं लाता तो मैं दोबारा फेंकता हूँ, चलो। ये जी टॉमी मेरे पीछे बैठे हुए है और सिम्बा जो है वहाँ पे अपने मज़ों में खेल रहे हैं। तो आज के व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि हमारी वीडियो आप तक आती रहे, नई से नई वीडियो, हर रोज़ हम एक वीडियो पोस्ट किया करेंगे, तो आप दोस्तों का जो है शौक बढ़ाना है हमारा काम, ठीक है, तो हम चीज़ लाते हैं और आपको भी शौक कराते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है पाकिस्तान में आजकल शौक जो है ये ख़त्म हो गया, लोग चीज़ लाते नहीं हैं या लाएं तो शो नहीं कराते, भई यार हमारे पास है नहीं है। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तब तक दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स रास्ते में आए हैं और भाई के पास मछलियाँ थी, तो मैंने कहा शायान अयान और सुबहान के लिए ले लेते। और ये इनको सब प्राइज़ देते हैं, अयान शायान और सुबहान को। तो ये भी जो है ना इनके लिए लेके जा रहे हैं। साथ भाई के पास पड़ी हुई हैं कैट्स और इसके अलावा पैरट्स वगैरह भी इनके पास होते हैं। देखा हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये जी फिश मैं लेके घर आ गया हूँ और शायान अयान को किसी को भी नहीं पता, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मैं भी उनको यकदम बुला के फिर बुलाते हैं उन्हें, मैंने जग में डाल लूँ। ये जी शायान मेरे पीछे आ गया है, चूजा नहीं है इनको, नहीं फिर भी नहीं पता। चलो शायान उनको बुला के लाओ, वो भी नहीं है, अयान लोगों को बुलाओ। चलें जी मैं इनको नीचे जाके दिखाता हूँ यार, एक सरप्राइज लाया तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोगों ने किया तंग और भी अच्छे अच्छे सरप्राइज लाऊंगा, लेकिन जो तुम लोगों ने किया तंग तो फिर कैंसिल हो जाएगा। करोगे कि नहीं? नहीं। तुम भी नहीं करोगे? तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या? गेस करो क्या होगा। मछली। तुम बताओ। क्रोकोडाइल। तुम मछलियाँ। तो तुम लोगों से मैंने वादा किया था ना। हाँ। तो फिर तुम लोगों के लिए ये फिश लाए हैं। वाओ। तीनों के लिए एक एक, पकड़नी नहीं, अंकल ने मना किया। अच्छा, मर जाएंगी ना। सारी इनको किस में डालूं? इनको अंकल ने कहा है पकड़ना नहीं है और इनको खाने की चीजें डालना, फिर वो अंकल और भी ला के देंगे, फिर हम और लाएंगे। पकड़ोगे नहीं? टब में भी नहीं डालनी। अंकल ने इसी तरह मुझे कहा है इनको इसी पानी में डालना है। देखो ना कितनी प्यारी है। हाँ देखा। इनको पापा आएंगे ना, उनको भी बताएंगे फिर, ठीक है, दिखाएंगे। कहाँ से लाए हो वैसे? तो व्यूवर्स अभी पहुंच गए हैं घर, बच्चों ने मछलियाँ देखी और बहुत खुश हुए हैं। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो नमाज पढ़ते हैं। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।